सिक्किम में बादल फटने से शहीद हुए सीकर के माजीपुरा निवासी जवान सज्जन सिंह खीचड़ का अंतिम संस्कार आज सैन्य सम्मान व 10 किलोमीटर लंबी तिरंगा यात्रा के साथ हुआ। इस दौरान शहीद का पार्थिव देह सुबह 8 बजे मंडा स्टैंड पहुंचा, जहां से तिरंगा रैली के रूप में जयकारों के बीच उसे माजीपुरा ले जाया गया। यहाँ शहीद का शव घर पहुँचते ही परिवार में कोहराम मच गया। वीरांगना बसंती देवी, माँ बादामी देवी और दो बहनें तो बेसुध हो गई, जिन्हें बड़ी मुश्किल से संभाला गया। बाद में पारिवारिक रस्मों के बाद घर के पास ही स्मारक के लिए पंचायत की ओर से दी गई जमीन पर शहीद का अंतिम संस्कार किया गया, जहां शहीद के बड़े बेटे मनीष कुमार ने पिता को मुखाग्नि दी। इस दौरान शहीद सज्जन सिंह अमर रहे और भारत माँ के जयकारों से आकाश गूंज उठा। अंतिम संस्कार में सांसद सुमेधानंद सरस्वती, विधायक वीरेंद्र सिंह, पूर्व विधायक अमरा राम, जेजेपी महिला प्रदेशाध्यक्ष रीटा सिंह, एसडीएम गोविंद सिंह भीचर, नायब तहसीलदार महिपाल सिंह सहित हजारों लोग मौजूद रहे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। अमर शहीद सज्जन सिंह।